तो गाइस मैं पार्लर पहुंच गई हूँ और दीदी है जो शुरू से मैं इन्हीं से आईब्रो बनवाती हूँ जो भी पार्लर का काम होता है। तो दीदी कैमरे में आने के लिए हिचकी जाती नहीं, ये है न्यू पार्लर ब्यूटी, न्यू लुक ब्यूटी पार्लर, ये है बहुत पुरा। चलो चाचू बाहर है, चाचू बाहर बैठे हैं, तुम्हारा बाल नहीं है वो अपना बाल देख भी है। सो गाइस यहाँ पे पूरा दाल बन चुका है पूरे बारातियों के लिए। यहाँ पे तन्नु ने आज अपने हाथों से दाल बनाया है और काफ़ी ज़्यादा 3 कटोरा दाल नाप के कुकर में डाली है। कुकर में जगह भी नहीं हुआ बनाने के लिए। मैंने क्या किया है, सुबह तबियत में ना ठीक नहीं लग रहा था तो मैंने बोला कि तना है दाल चढ़ा दो, मैंने बोला 1 कटोरी, उसको सुनने में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। गाइस ये देखिए, ये 3 दिन का दाल तना है ने आज 3 दिन का दाल एक ही बार। शाम को दाल पिट्ठी बना देना, शाम को हाँ ना बच्चों को दाल चाहिए होता है। सुनो ना, दाल पिट्ठी और चटनी बड़ी मजा आया खाने में घी के साथ। यहाँ पे क्या, इस यहाँ पे किया बैठी हुई है किया। इसको देखो ना, किया किया लुकिंग सो ब्यूटीफुल नाउ, लुकिंग सो सेक्सी एंड हॉट। इसका रेशम जैसी बाल, ब्लैक एंड वाइट, थोड़ी सी वाइट है गले के पास, ज़्यादा वाइट नहीं है, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार लगती है। सो आइए गाइस आपको बच्चों को दिखाते हैं, बच्चे फिर क्या कर रहे हैं। फिर देखिए बच्चों को यहाँ पे लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं लोग बैठ के, मस्त लोग लैपटॉप खेल रहा है बैठ के यहाँ पे, और लेट के मस्त सुबह सुबह। तुम लोगों को नहाना धोना नहीं है जी, नहाने का फटाफट नहा धोवा के मस्त फ्रेश हो जाने का, ठीक है। सो हे गाइस, गुड इवनिंग, और शाम का वक्त हो चुका है, टाइम हो रहा है 6 बज रहे हैं और मैं इधर रेडी हो गई हूँ क्योंकि मुझे जाना है थोड़ा पार्लर। मेरे आईब्रो बहुत ख़राब हो गए, पूरा फैल गया है, सो मैं आईब्रो बनवाऊँगी और उससे पहले मैं थोड़ी सी किचन की सफाई कर दूँ क्योंकि बच्चों ने पूरा वो ख़राब कर दिया है मेरा किचन। सो पहले मैं थोड़ी सी इधर क्लीनिंग कर दूँ, उसके बाद मैं निकलती हूँ पार्लर के लिए, आपको भी साथ में लेके चलती हूँ। तो गाइस मैं पार्लर पहुंच गई हूं और दीदी है जो शुरू से मैं इन्हीं से आईब्रो बनवाती हूं जो भी पार्लर का काम होता है। तो दीदी कैमरे में आने के लिए हिचकी जाती नहीं है कंफर्टेबल है, तो मैं उनको भी ले लेती हूं और फटाफट अभी आईब्रो बनवा लेती हूं। इधर काव्या भी बैठी है, मेकअप करवाओगी नहीं करवाओगी नहीं बोल रही है, तो चलिए फटाफट आईब्रो बनवा लेती हूँ। स्किन के लिए, पूरे बॉडी के लिए, हम लोग सिर्फ नहाते हैं, आप तो भूल जाएंगे चीज़ मतलब जो है ना, जी भूल जाएंगे। फोरहेड भी, हाँ फोरहेड, अपर लिप भी, अपर लिप कहाँ कभी करवाती हैं, नहीं कभी नहीं। क्या हाल है बच्चा, बाहर नहीं जाना, पकड़े पकड़े दोनों हाथ से। तो गाइज आईब्रो मेरा बन गया है, कंप्लीट हो गया है, दीदी ने फटाफट आईब्रो बना दिया है, तो अब मैं निकलती हूँ घर के लिए। रू बाहर वेट कर रहे हैं। चलो चाचू बाहर है, चाचू बाहर बैठे हैं, तुम्हारा बाल नहीं है वो अपना बाल देख रही है, उधर बाल देख रही है तुम्हारा बाल नहीं है, चलो तुम्हारा बाल नहीं है। ये है न्यू पार्लर ब्यूटी, न्यू लुक ब्यूटी पार्लर, ये है बहुत पुराना पार्लर है, बहुत टाइम से नहीं दीदी, बहुत सालों से है। तो गाइस आपको अगर विजिट करना है तो यहाँ पे पूरा डिटेल मैं आपको भेज दूँगी, आप देख लीजिएगा, ठीक है दीदी, ठीक है बाय बाय। हाँ है तुमको ढूंढ रही, चाचू कहीं, चाचू रो रही है, क्या हुआ, चलो 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 क्या हुआ बेटा, दवाई लग गया है, दवाई दीदी लगा दी है ना, अच्छा अच्छा दवाई दी, दवा लगा दी आंटी, दवा लगा दी जल्दी, दवा लगा दी। तो वैसे हम आ गए इधर आइसक्रीम के स्टॉल पे क्योंकि काव्या को ये देख लिया आइसक्रीम का स्टॉल, तो जिद कर रही आइसक्रीम, आइसक्रीम खाओगी, हाँ ओके चलो अंकल दे रहे हैं आइसक्रीम, खा रही है काली मैदान में, ये छोटकी भी आई हुई है और ये डब्बा खोली नहीं रही है, खाई जा रही है, खाई जा रही है। अरे कब से परेशान किए है, चाचू आइसक्रीम, चाचू आइसक्रीम, हम बोले अभी नहीं, तो बोलती आगे दुकान है और है, इधर
इधर से क्रॉस किए हैं ना, तो देख लीजिए। गाइस मैं आई हूँ पार्लर से और मैंने चेंज भी नहीं किया है, टाइम ज़्यादा हो गया, तो मैं फटाफट आटा सान के डिनर बना लेती हूँ। और मैंने बच्चों के आइसक्रीम लाया है, तो किसी ने नहीं खाया, अभी आइसक्रीम सबने फ्रीज में रखा है। और सनाया कह रही है कि मैं कल खाऊंगी, पर मैं उसको मैंने बोला कि देख लेना कल खाऊंगी, अगर बचेगा कि नहीं बचेगा तो ये आइसक्रीम है। तो सनाया डर गई है, मैं डर गई क्योंकि इससे पहले भी उसने रखा था चॉकलेट, क्या रखा था, चॉकलेट, चॉकलेट रखा था, तो मैंने उसका चॉकलेट खा लिया था। वो स्कूल से आने के बाद बहुत ढूंढ रही थी उसका चॉकलेट खाया है, मैंने खा लिया था। वही वो बोल रही कि उसको क्रेविंग होता है खाने का, तो मैं आइसक्रीम छोड़ के नहीं खा लूँगी, तो मैं सच में खा लूँगी अगर फ्रीज में रहा तो मेरे से छूटेगा नहीं। क्या हो गया ये? पता नहीं क्या निकल गया, जब से चीटी कटा है। गन्ना का जूस पी का है ना शाम को, गन्ना का जूस पी हो तो बताया नहीं हमको, इधर निकल गया, इधर दर्द हो गया, सर दर्द पकड़ लिया, गैस हो गया पेट में, इसीलिए तो तुम्हारा निकला है ये, तुम गन्ना का जूस मेरे लिए नहीं लाए हो इसीलिए। तो खाना निकाल दे, मैच चलेगा तुम्हारा। तो गाइस सुबह का सब्जी है जो कि मैं भी गरम करूंगी, और रोटी मैंने बना लिया है, और दाल तो आज मैंने आपको सुबह ही बताया था कि तीन दिन का दाल इकट्ठा बन गया है, सनाया से गलती से हो गया, तो दाल भी गरम कर लेती हूँ फटाफट, बच्चों को और इनको भी खाना खिला के मैं इसका मतलब भाई रही है बेटा, व्हाट अ भूख लग रहा है, भूख लग रहा है बस, खाने में है दाल रोटी घी। तो क्या खाओगे? भात, सुबह का भात, भात खा खा के तो बहुत दौड़ा हो गया, हाँ मुझे लगेगा खाइए दिखाते हैं। क्या हुआ? अरे कर्टन तो मिला दो पूरा।